हाय नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। पहले वीडियो में हमने देखा था कैसे बूटस्ट्रैप को यूज़ करके हम एक ब्लॉग के लिए वेबसाइट टेम्पलेट कैसे रेडी कर सकते हैं। जैसा अभी डिस्प्ले में देख रहे हो आप, ऐसे हमने एक टेम्पलेट को रेडी किया था। पहले नेबर गया था, उसके बाद स्लाइडर, उसके बाद ऑल ब्लॉग पोस्ट के लिए एक सेक्शन क्रिएट किया था, और उसके बाद कॉन्टैक्ट, और उसके बाद फुटर। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम सिंगल पोस्ट के लिए एक टेम्पलेट कैसे रेडी करें, और साथों साथ ये भी देखेंगे जो ऑल पोस्ट होगा उस ऑल पोस्ट के लिए कैसे टेम्पलेट को रेडी कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को यूज़ करके। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे, जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रीड मोड पे, तब भी क्या होगा, ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो इन्फॉर्मेशन हम सिंगल पेज में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक टेम्पलेट भी चाहिए। तो इसलिए हम इसका टेम्पलेट इसी वीडियो में रेडी करेंगे। तो जब भी यहाँ पे क्लिक करेगी तब भी इस पेज में आ जाएगी, और इस पेज में जितने सारी इन्फॉर्मेशन होगा इस ब्लॉग का वो यहाँ पे दिखाएगी। तो हमारा टेम्पलेट ऐसा होगा, पहले तो यहाँ पे ब्लॉग का नेम आएगा, टाइटल होगा, उसके बाद छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा, ये जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके बाद कैटेगरी कौन सा कैटेगरी में ये पोस्ट पड़ता है, और टाइटल होगा, और उसके बाद जो भी ब्लॉग होगा, जो भी पोस्ट होगा हमारा, वो पोस्ट यहाँ पे आ जाएगा इमेजेस के साथ। और भी हम देखेंगे वो बाद में बैकएंड में जब काम करेंगे तब भी हम देखेंगे कैसे हम इस जो डेटा है, ये जो ब्लॉग पोस्ट है, उसको हम कैसे MySQL पे स्टोर कर सकते हैं, और वो आपसे फैच करके कहा कैसे हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं इमेजेस और वीडियो वो उसके साथ। और उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम एक कमेंट का सेक्शन बनाएंगे, फॉर्म होगा जहाँ पे, और उसके बाद ऑल कमेंट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। शुरू करने के पहले एक बात बता दो, अगर आपने मेरा चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो अपना जैम सर्वर को स्टार्ट कर लीजिए, जैम अपाची सर्वर उसको स्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद क्लोज कर दीजिए इसको। तो हम चले जाते हैं हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, जहाँ से हमने शुरू किया था। रीड मोड जो बटन है उस बटन के अंदर हमने जो एचर एंकर टैग लिया था, उस एंकर टैग में हम सिंगल पोस्ट डॉट PHP करके एक फाइल को लोकेशन दे दिया। ओके, इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम एक नया फाइल क्रिएट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको, फाइल का नेम सिंगल पोस्ट डॉट PHP। ओके, अभी हमारा जो ये टेम्पलेट ऐसे होने वाला है, तो इसको पहले रिफ्रेश कर देते, ये दिखाने के लिए रखा था, अभी कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो नेबर है उसको लेंगे हम, और फुटर को लेंगे, क्योंकि फुटर और नेबर कॉमन होगा, तो इसीलिए हमें इस पेज को पहले कॉपी कर लेते, इंडेक्स को इसको क्लोज कर देते, कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद इसको पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद जो भी हमारा स्लाइडर 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 नेबर के बाद में जो स्लाइडर हमें लिया था, यहाँ से इस नेबर के बाद में जो क्राउजल था, स्लाइडर था, उस स्लाइडर के से हम फुटर तक डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें फुटर और नेबर ही ज़रूरत है, और बीच का जो भी होगा वो हम डिलीट कर देंगे। ओके, तो पहले हम क्या कर लेंगे, एक सेक्शन ले लेंगे, सेक्शन का एक क्लास देना पड़ेगा, कंटेनर करके एक सेक्शन ले लेंगे। उस सेक्शन में पहले तो एक H1 टैग लेंगे, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए H1 टैग पहले होना जरूरी है, SEO बोलता है, क्योंकि जो टाइटल होगा वो H1 टैग के अंदर होगा, तो SEO भी मदद होगा ये गाइडलाइन के मुताबिक। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा SEO के रिलेटेड, SEO की जैसी हम टेम्पलेट को भी रेडी करेंगे, क्योंकि आगे जाके ये जो ब्लॉग बनने वाला है, ये ब्लॉग को हम जब भी प्रोडक्शन में लाएंगे तब भी ये SEO भी रहे, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। तो पहले तो इसका जो भी नेम है उसको दे देते, लर्न बूटस्ट्रैप क्विकली,
इसको दे देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा मार्जिन लेना है टॉप से, 3 करके मार्जिन ले लिया हमने। और उसके बाद एक एक पैराग्राफ लेना होगा, पैराग्राफ के अंदर हमें स्पैन लेना होगा एक डिस्क्रिप्शन के लिए, क्योंकि जब भी आप देख सकते हो जब भी हम कोई भी सर्च करते गूगल पे विकी, जब भी हम सर्च करते कुछ भी गूगल पे, तभी क्या होता है, पहले तो यूआरएल आता है, मतलब लिंक आता है, उसके बाद टाइटल आता है, उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन आता है। ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से आता है, ज़्यादातर ये डिस्क्रिप्शन आता है या से इस पैराग्राफ से आता है, जो टाइटल के बाद में जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ से उठ कर आता है ज़्यादातर। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि यही से ही उठता है, ज़्यादातर यही से आता है। एक लॉरम ले लेते हो, सिंपल सा टेक्स्ट ले लेता हूँ डेमो के लिए, कॉपी कर। और उसके बाद और एक स्पैन टैग ले लेते हैं, स्पैन क्लास, क्लास के अंदर कह देंगे पहले तो मार्जिन दे देंगे थोड़ा सा ऊपर से, और उसके बाद ये होगा इसका जो बैकग्राउंड क्लास सेकेंडरी देंगे, सेकेंडरी सेकेंडरी क्यों, क्योंकि बूटस्ट्रैप का जो कलर कोड है बीजी कलर, बैकग्राउंड का कलर, उसमें सेकेंडरी एक कलर है जहाँ पे ग्रे कलर आता है बीजी सेकेंडरी। ओके इसको कॉपी कर लेते, जब भी हम इस क्लास को यूज़ करेंगे तभी क्या होगा, ये जो ग्रे कलर इसको इंक्लूड हो जाएगा वहाँ पे, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया ऑलरेडी, फिर से उसके बाद क्या करेंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी लेना पड़ेगा, टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं, और यहाँ पे थोड़ा बूटस्ट्रैप मैनुअल भी लिख देता हूँ, स्लैश जो टाइटल लिया था हमने यहाँ पे उस टाइटल को भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके सही है, उसके बाद अभी इसको देख लेते पहले कैसे हुआ है, इसको क्लोज कर देते, इसको कोई ज़रूरत नहीं, ये हमारा सिंगल पोस्ट का अभी बन गया थोड़ा यहाँ पे, सही है ना। तो अभी क्या करना है, अभी कंटेनर इसको फ्लूट ले लेते हैं, सॉरी ताकि फ्लूट क्यों, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से थोड़ा स्पेस मिल रहा है, तो हम चाहते हैं यहाँ से कोई भी स्पेस नहीं मिले, थोड़ा सा स्पेस मिले ज़्यादा नहीं, तो सही है उसके। और यहाँ से थोड़ा सा पेडिंग भी लेना पड़ेगा, पेडिंग भी ले लेता हूँ 2 का, ताकि चारों तरफ से थोड़ा सा पेडिंग भी मिले। ओके सॉरी, उसके बाद एक डिप ले लेंगे, डिप के क्लास दे देंगे कंटेनर, कंटेनर करके क्लास दे दिया हमने, उसका पेडिंग ले लेंगे थोड़ा, पेडिंग क्या होगा 3 पेडिंग ले लिया 3 सॉरी, यहाँ पे हमारा जो कंटेंट होने वाला है इसके अंदर रखेंगे, ये जो डिप लिया इस डिप के अंदर हमारा कंटेंट रहेगी। ओके तो हमने ऑलरेडी कंटेंट को डेमो के लिए ले रखा था, ऐसे इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। रिफ्रेश कर लेते इसको, हो गया। हमारा कंटेंट भी आ गया,
यहाँ पे हमारा कंटेंट होने वाला है, ताकि हम जब ओ सॉरी यहाँ पे इसका भी जी देना है, यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड देना है वीजी सेकेंडरी इसको देना है, और टेक्स्ट वाइट इसको देना है, और इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ओके सही है। उसके बाद हमारा कंटेंट, इस कंटेंट को हम डेटाबेस से ले आएंगे, लेकिन अभी के लिए टेम्पोररी के लिए मैनुअली दे देते हैं कंटेंट। लेकिन आने वाले वीडियो में हम जब भी बैकिन के ऊपर काम करेंगे तभी क्या करेंगे, बैकिन की मदद से हम जो डेटाबेस होगा उस डेटाबेस से हम इस डेटा को, जो भी कंटेंट होगा उस कंटेंट को हम फैच करके यहाँ पे ले आएंगे। ओके सही है। तो अभी हमें एक कमेंट सेक्शन की ज़रूरत है, तो कमेंट सेक्शन के लिए यहाँ पे इसको इसके बाद एक सेक्शन ले लेंगे कमेंट के लिए, तो इसका एक क्लास देना पड़ेगा, क्लास कंटेनर फ्लूट दे देते हैं, और उसके बाद एक H3 करके हम ऐसे ले लेते हैं, हेडर ले लेते हैं, हेडिंग ले लेते, उस हेडिंग का नाम देंगे लीव आ कमेंट्स, मतलब यहाँ पे आकर आप कमेंट कर सकते हो। इसका एक कलर देंगे, टेक्स्ट कलर वाइट दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बीजी बैकग्राउंड कलर यूज़ करने वाले हो, तो बैकग्राउंड में हम ग्रीन मतलब सक्सेस देना पड़ेगा, बीजी सक्सेस को यूज़ कर लेते हैं ऐसे, और पेडिंग भी थोड़ा ले लेते हैं, टू रैम का एक पेडिंग ले लेते हैं। ओके, और मार्जिन टॉप से टू का ले लेते हैं, टू रैम का। ओके, और यहाँ से हम फॉर्म लेंगे अभी, क्योंकि हमें फॉर्म का भी ज़रूरत है। फॉर्म का एक पहले क्लास दे देते कंटेनर, क्योंकि थोड़ा सा छोटा चाहिए उसके अंदर एक कंटेनर करके, और सॉरी फॉर्म ग्रुप दे देते हैं, क्लास फॉर्म ग्रुप होगा जो बूटस्ट्रैप का क्लास है, और ऐसे हम जो भी फॉर्म क्रिएट किया था यहाँ पे हमने इस फॉर्म को ले लेंगे, ऐसे डिटो कॉपी कर लेते हैं इसको, इसी फॉर्म को यूज़ कर सकता हूँ। ओके सही है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो बटन था वो सक्सेस था, फिर से भी हम देख लेते पहले, ऑब्वियसली सक्सेस है मतलब ग्रीन है, तो ग्रीन के ऊपर ग्रीन नहीं आएगा, तो इसलिए हमें बटन का कलर थोड़ा अलग देना होगा, वो हम देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। सही है, तो हमें कंटेनर देना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बटन का कलर ठीक सही से नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे एक कंटेनर क्लास दे देता हूँ, ताकि थोड़ा सा छोटा मिले इसको, और जो बटन का कलर है सक्सेस है उसको प्राइमरी कर देते हैं, प्राइमरी और टेक्स्ट वाइट। ओके सही है। तो अच्छा लग रहा है अभी, सही है सब कुछ। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें चाहिए एक ऑल कमेंट का सेक्शन, जहाँ पे हमारा जितने सारी कमेंट होने वाला है, यहाँ पे जब भी कोई भी कमेंट करेगा वो हम इसके नीचे पे उसको शो करा देंगे। ओके, तो ये आपसे और एक सेक्शन ले लेते हैं, या डीप भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेक्शन डीप जो भी ले सकते हो लेना है,
उसका कंटेनर फ्लोट कर देते, कंटेनर फ्लोट नहीं कंटेनर ले लेते, और यहाँ पे हम इसका भी एक थोड़ा सा मार्जिन चाहिए ऊपर से, क्योंकि नहीं तो चिपक जाएगा उसके ऊपर से। तो 2 RAM का एक ले लेते हैं, और यहाँ पे एक और हेडिंग दे देते हैं ईच 6 का एक हेडिंग दे देते हैं, ऑल कमेंट्स ओके 6 नहीं यहाँ पे 4 दे देते हैं। सही है। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो ऑल कमेंट आएगा, जो भी कमेंट यहाँ पे आएगा वो कमेंट हम यहाँ से शो करा देंगे एक डीप की मदद से। उस डीप में पहले तो थोड़ा सा मार्जिन पेडिंग लेना चाहिए, पेडिंग या कंटेनर ले लेते हैं ताकि रेस्पॉन्सिव भी सही रहे। उसके अंदर क्या करेंगे हम H6 करके हेडिंग के अंदर जो कमेंट किया उसका नेम होगा, जो भी कमेंट किया उसका नेम दे देंगे। उसके बाद पैराग्राफ में इसका टेक्स्ट सेकेंडरी कर देते हैं ताकि ग्रे कलर में हमें मिले, सेकेंडरी ओके। और इससे हम थोड़ा सा लॉरी में सूम का यूज़ कर लेते हैं, इतना बड़ा नहीं है बस छोटा अच्छा है। और इससे हमें एक क्लास देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कमेंट नया कमेंट हो तब भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाए ऊपर से, तो टोका सही है। तो इसको 3 बार रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो अभी देख लेते हैं इसको सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं। थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि इंटरनेट स्लो कभी चल रहा है लग रहा है। क्या हुआ, कुछ नहीं आया, सेव तो किया हमने। ओ शिट, हमने यहाँ पे गलत कर दिया कि इस इंडेक्स पेज में हमने कर दिया, तो इसको पहले हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कॉपी कर लेते से, इसको सेव कर लेते पहले, सिंगल पोस्ट में जाते हैं। उसके बाद कुछ के बाद में जो लीप कमेंट का रखा है उसके बाद में हम पेस्ट कर देंगे इसको। सेव, रिफ्रेश, ओके, हमारा ऑल कमेंट आ गया, और यहाँ पे हमारा जितने सारी कमेंट किया है वो भी आ गया, राइट। तो यह से थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया है इसको स्पेस, तो ये हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सही है सब कुछ। तो इसके बाद हम देखेंगे कैसे इसका ऑल पोस्ट का एक सेक्शन बनाएंगे, जहाँ पे हम जब भी उस पेज में जब भी जाएंगे तब क्या होगा, जितने सारी पोस्ट है हमारे पे डेटाबेस में वो पोस्ट आ जाएगा। ऑल पोस्ट डॉट PHP क्यों ले रही हूँ वो आपको पहले वीडियो में बता दिया था, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे दे दूँगा, आप चेक कर सकते हो। वैसे पहले वीडियो में बहुत कुछ सीखा हमने कैसे हम उसको रेडी कर सकते हैं, जो होम पेज का टेम्पलेट हो उस टेम्पलेट को कैसे हम सीख सकते हो हमने देखा था वहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे,
पहले हम इसको डिटो कॉपी कर लेंगे इस पेस्ट को, और ऑल पोल्स पेस्ट में पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो इंडेक्स पेज उसमें एक हमने कार्ड बनाया था जहाँ पे हमारा ए वाला कार्ड है, जहाँ पे हमारा ए वाला सेक्शन है, जो ऑल ब्लॉक करके जो सेक्शन वो हमने क्रिएट किया था। इसका जो भी इस कार्ड को हम यूज़ करेंगे ऐसे लेकर इस रो से, इसको पहले छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते, पूरा का पूरा आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे। सेक्शन को एक क्लास दे देंगे, कंटेनर लोड, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। चलो देखते ऑल पोस्ट में जाकर पोस्ट डॉट पीएचपी हमारा फाइल का नेम। ओके, सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा सा चिपक गया ऊपर से, ऊपर से थोड़ा सा चिपक गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या पे थोड़ा सा मार्जिन देना होगा। मार्जिन कहाँ पे, टॉप से, एम्प्टी मतलब मार्जिन टॉप। तो यहाँ पे हम थ्री ले लेते हैं। ओके सही है, तो हमें मार्जिन मिल गया। यहाँ पे जब भी हम क्लिक करेंगे तब भी क्या होगा, हमारा सिंगल पोस्ट में आ जाएगा। सिंगल पोस्ट में आने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा होगा हम पढ़ेंगे, उसके बाद अगर अच्छा लगा नहीं लगा वो आप अगर चाहते कमेंट करने के लिए तो हम यहाँ पे लिख कर कॉमेंट भी कर सकते हो, और जो भी कमेंट होगा वो कमेंट यहाँ पे शो कर जाएगी। ओके, तो ये जो होगा, ये जो जितने सारी हमने बताया ये होगा, कमेंट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, या पे डेटा को फैच कर सकता हूँ, हम आने वाले वीडियो में बताएंगे जो हमारा सीरीज बनने वाला है। तो आज के लिए इतना ही तक, अब से मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। अगर और एक बात, अगर अपने मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको पहले हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो का जितने सारे सोर्स कोड होगा वो हम डिस्क्रिप्शन के मदद से आपको दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।